भाई सबसे डेंजरस यही ट्रैक है और इधर काफ़ी बचा के बयान होता है। बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। कभी आना मत अपने लाइफ में, आना लेकिन सबके साथ में लेके आना, लेकिन बहुत मजा आता है यार, लेकिन आना मत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में, और आज के ब्लॉग में हम लोग चलने वाले हैं टकमक फोर्ट, और अभी हम इस समय आ गए हैं साकवार विलेज, और यहाँ से ये देखो ऐसा रोड है ना, तो ऐसा सीधा हमें जाना पड़ेगा, और उधर देखो काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, तो वहीं पर हमें चलना होगा भाई। तो अकेले हैं, काफ़ी नर्वस हैं, कैसा होगा जो भी होगा आप लोग को आगे दिखाएँगे, और ये देखो और कैसे आप लोग को आना होगा सब कुछ बताएंगे। तो चलो मिलते हैं आप लोग से आगे। और ये देखो ऐसा यहाँ पे जो है एरो बना हुआ है पालघर के लिए ऊपर, और मुंबई के लिए हमें इधर आना जाना पड़ेगा जिधर से हम लोग आए हैं, और साकवार ऐसा देखो इधर हमें चलना पड़ेगा। तो चलो भाई आगे, और आप लोग से आगे मिलते हैं। तो देखो भाई जैसे आप लोग थोड़ा आगे आओगे तो आप लोग को ऐसा एक नदी पड़ेगा छोटा सा, और ये है पुलिया ऐसा देखो, और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप लोग कितना खूबसूरत है भाई। और उधर हमें पहाड़ दिख रहा है ना, उस पर हम चलने वाले हैं। और देखो भाई ये एक रोड इधर जाता है ना, तो इधर हम नहीं जाएंगे और सीधा स्ट्रेट हमें जाना होगा। और ये हमारे पीछे देखो ऐसा स्कूल है, और आप लोग आते हो ना तो इसको एज ए लैंडमार्क यूज़ कर सकते हो, और सीधा हमें स्ट्रेट अभी जाना होगा ये ऐसे देखो। तो भाई अभी मैं डर रहा था कि अकेले कैसे चलूँगा, बट यहाँ पे काफ़ी भाई लोग मिल गए। ये देखो सब लोग जो है टकमक फोर्ट पे जा रहे हैं। क्या हुआ ना, काफ़ी दिन से जो मुंबई में बारिश बारिश चल रहा था ना, तो आज थोड़ा बारिश कम हुआ है, तो सारे लोग निकल के आ गए हैं, और हम लोग भी चलते हैं और मिलते हैं आप लोग से आगे। तो इधर से देखो भाई ऐसे हम लोग आएँगे, और इधर का रास्ता बंद है और इधर एक रास्ता है ओपन है, तो इधर से अभी हम लोग घुसते हैं ऐसा देखो। और देखो भाई कितना मस्त वाटरफॉल है ऐसा देखो, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और देख सकते हो आप लोग ऐसा ये सारा जो है पहाड़ों का पानी है, और ऐसे बहते हुए जा रहा है देखो आप लोग। तो भाई अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, और मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं अकेले आने का सोच रहा था, बट आप में से कोई भी अकेले यहाँ पे नहीं आएगा, काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी डर लगता है भाई। और मुझे ये भैया लोग मिल गए, काफ़ी अच्छा हुआ, अदरवाइज़ हमें वापस जाना पड़ता। तो थैंक गॉड कि भैया लोग मिल गए, इनके साथ में हम भी चल रहे हैं। भैया देखो ऐसे कहाँ से हो ये आप? विरार। और आप? विरार कर। से विरार से। विरार कर। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। और कहाँ से भैया आप? विरार। विरार यूपी। विरार कर। यूपी में कहाँ से? विरार। विरार जौनपुर। अच्छा अच्छा, झांसी। झांसी झांसी की रानी। आप कहाँ से भैया? हम तो देवरिया से हैं, रहते हैं नाला सोपरा वसी विरार। जहाँ वो ट्रेन जला दिया तो वहीं पे, वहीं का गाँव का है। वैसे भाई लोग बहुत अच्छा सीन है, कुछ बोलना चाह रहे हो? अगर कोई आ रहा है तो कुछ बोलना चाह रहे हो आप? जरूर आइएगा एक बार, एंजॉय करना चाहिए जीवन में, नहीं तो इस मिट्टी में मिल जाओगे, उसमें क्या मतलब है। लेकिन अकेले अकेले नहीं आने का, अकेले नहीं आने का, आप आयो हम मिलके बिलार इसमें रहते हैं, सबको सबको लेके आने का। पानी भी नहीं लेके आए हो ना? पानी मिल गया। दिखाओ उनको, दिखाओ ये भाई, ये पत्थर का ठेकड़ा चिमोरी मराठी मध्य। चलो चलो अब हमारे तुम भी साथी हो। ए झरने का पानी था उधर। हाँ दिखाया दिखाया सब, चलो मुंह दिए हम उसी में पी लिए। कमऑन गाइस। अपनी अपनी तैयारी खुद करके आना भाई। ये बोतल उठाना पड़ता है।
वो मूत रहा है उसको। नहीं नहीं भाई अपना लेट गया, थक गया था भाई। अभी हम लोग जो है आधे घंटे का रास्ता हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इधर देखो क्या मस्त वाटरफॉल है, ऐसा देखो कैसा लग रहा है भाई, मस्त ये देखो ऐसा। और ऐसा देखो भाई, ऐसा एरो बना होता है और ऐसे में एरो को भी फॉलो करते हुए जाना है। ऐसा देखो, अच्छी बात है एरो बना दिए हैं लोग। और दिखाता हूँ, देखो ऐसे चढ़ के आना है, काफी ऊंचा है भाई, थक जा रहे हैं हम लोग। ये देखो सेकंड एरो, और ऐसे ऊपर चढ़ना है हमें। तो भाई अभी हम लोग जो है फाइनली एक घंटे का पूरा ट्रैक कर चुके हैं और ऊपर थोड़ा इधर बैठने का स्थान है तो यहाँ पे सभी लोग भाई लोग बैठ के आराम कर रहे हैं थोड़ा। देखो ऐसा देखो सब लोग कैसा लग रहा है भाई, आप लोग को कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप लोग मजा आ रहा है यहाँ पे? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बहुत एकदम मजा आ रहा है। फटते फटे गाना लगाओ, गाना लगाओ, गाना लगाओ, गलिया उठा ले। अरे एक ही गाना सब लोग लगाओ, अपने अपने मोबाइल पे आवाज बढ़ जाएगा। ये दूसरा ट्रेलर है। तो अभी भाई हम लोग कितना ऊपर आए? सेकंड 50 फीट आ गए हम लोग और दिखाते हैं यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है। और इधर अभी और ऊपर हम लोग को जाना है भाई, उसी चल रहे हैं सब। चलो भाई, चलो चलो भाई। तो काफी मजा आ रहा है ये भाई लोग के साथ घूम के, फर्स्ट टाइम है इतना ऊपर आया हूँ भाई। तो देखो ऐसा हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, क्या मस्त व्यू है भाई देखो। और इधर देख रहे हो आप लोग ना, वो भाई लोग जा रहे हैं अभी उधर से और ये देख रहा हमें ये पर्वत, इस पे हमें जाना पड़ेगा, वहाँ से भी अमेजिंग व्यू दिखेगा। तो चलो चलते हैं भाई, दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो क्या मस्त मौसम है देखो, और ये भाई लोग चल रहे हैं। चलो हम लोग चलते हैं, देखो ऐसा भाई। अभी हम लोग तीसरे स्टॉप पे आए हैं और काफी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना भाई, बहुत मजा आ रहा है। भाई अगर हमें भी याद कर लिया, हम भी आ जाएंगे आपको गाइड कर। मेरा नंबर लिख लो। हाँ नंबर भाई का लिख लेंगे हम लोग। हाँ दौड़ लो भाई, दौड़ लो। अगर आप लोग को आना होगा ना तो सबसे पहले जहाँ से रह रहे हो वहाँ से आप लोग को आना होगा विरार। विरार हमें ईस्ट में उतरना पड़ेगा, वहाँ से जो हमें फिर बस पकड़ना पड़ेगा विरार फाटक के लिए। वहाँ से अगर आप ऑटो करते हो तो पर पर्सन 200 वो बोलो बोलते हैं, तो आप उनसे थोड़ा कम बेसी भी करा सकते हो। वैशाखपुर विलेज से जो है आप लोग को ट्रेकिंग करके आना होगा, क्योंकि जो लोकल लोग हैं इनसे आप लोग को थोड़ा पूछना पड़ेगा, ये टकमक फोर्ट की तरह है तो आप लोग को बताएंगे। और सीधा काफ़ी ऊंची चढ़ाई है भाई, और फैमिली वगैरह के साथ में नहीं आना चाहिए, और काफ़ी हाई जो है ट्रेकिंग है करना पड़ता है हमें। और ऐसे जिनको ट्रेकिंग का शौक है वही लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी डेंजरस है। और हम लोग जो है 2 घंटे का ट्रेक करके यहाँ पे आए हैं भाई। लोग किधर गए? वो जा रहे हैं, दौड़ लेते हैं उन लोग के साथ में, हो जाते हैं भाई। आपको बस बस मजा आ रहा है, आप अपना बाकी
बाकी अपने साथी लोग तो रुक गए वहाँ, वो लोग पीछे अभी रेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी आएंगे अभी, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कितने लोग हैं, चार कि तीन? हम लोग पांच लोग हैं, बाकी के 20 लोग पीछे हैं। हाँ चलो 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 चलते आगे बढ़ाते। कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट ना? दस से 15 मिनट अभी और लगेगा भाई। हम लोग चल ही रहे हैं और अपनी आधी टीम जो है वहाँ पे रेस्ट कर रही है भाई। हाँ बहुत खतरनाक, ऐसा बहुत खतरनाक चढ़ते हैं। आइए कैमरा दीजिए और आइए। जूते चप्पल सब हाथ में आ गए भाई और काफी डेंजरस है, आप दिखा दीजिए, काफी डेंजरस है, ऐसे चढ़ाई करना पड़ता है। हम लोग ये कैमरा में दिसन नहीं जाता कौन वो दिसन नहीं जाता। हाँ दिसन दिसन कितना ऊपर आ गए हैं, बहुत ऊपर आ गए हैं, और ऊपर भी जाना है, और ऊपर भी जाना है। देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो सब सब यहाँ से बहुत ही गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत। ये हमारे यूट्यूबर कैमरामैन, इनको लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब करो। चलो तो इधर से देखो भाई, दो तीन पहाड़ में चढ़ते हुए आना हो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये फोर्थ पे हम लोग लास्ट है, अभी लास्ट है, इसमें हम लोग जाने वाले हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनराज निषाद है। हाँ हाँ, कहाँ से आप? वैसे तो हम मुंबई में ही रहते हैं, नाला सोपारा में। हाँ हाँ हाँ, और हमारा जो गाँव है वो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? अच्छा गोरखपुर। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा हवा और एसी से भी बढ़िया हवा, अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। चलो अभी ऊपर और भाई लोग से मिलाते हैं, और काफ़ी भाई लोग अभी पीछे रह रहे हैं, आराम करते हुए आ रहे हैं, और हम लोग पाँच लोग हैं टॉप पे, फाइनली पहुँचने वाले हैं। आराम से आराम से। देखिए भाई व्यू, देखिए व्यू, और इतना ऊपर जाना है, मेरा सनत भाई कैसा चल रहा है देखो। मैं भी चढ़ता हूँ, चलो चलो। हवा बहुत तेज है भाई, हवा की वजह से जा सकते हो? हाँ हाँ, मेरे बाकी के दोस्त ये भाई हैं अपने, ये कभी कभी अपने जो है हेल्प कर दे रहे हैं, कैमरा वगैरह पकड़ ले रहे हैं, तो भाई को थैंक यू। और चल रहे हैं अभी हम लोग, देख सकते हो आप लोग, बहुत डेंजरस ट्रैक है ये, देखो ऐसा। से पहाड़ रखे हुए हैं रास्ते में, ऐसे में जाना होता है, और ट्रैक देखो भाई कितना डेंजरस है, उधर से ऐसे आना पड़ेगा हमें, ये बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है इसके साइड में ऐसे, और ये ऐसा रोड है, ऐसे में आना होगा, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, और थोड़ा ऐसे में चलना होगा टॉप पे,
फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। अगर गर्मी का टाइम होता तो काफ़ी प्रॉब्लम होता, बट बारिश का मौसम है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडा ठंडा हवा चल रही है, खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। बाकी ब्यूटी आप लोग देख ही सकते हो। फाइनली अपना कंप्लीट हो गया भाई, टॉप पे हम लोग आ गए हैं। और ये यहाँ पे फ्लैग दिखाता हूँ, ऐसा देखो फ्लैग, और मौसम देखो आप लोग, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इधर से हम लोग आए हैं, तो भाई हम लोग फाइनली एकदम टॉप पे आ गए हैं। और भाई लोग से पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लगा भाई आप लोग को? भाई यार बहुत बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। कभी आना मत अपने लाइफ में, आना लेकिन सबके साथ में लेके आना, लेकिन बहुत मजा आता है यार, लेकिन आना मत। और भाई और कोई बोलना चाहता? आधे रास्ते में आप लोगों की सब लोगों की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आना तो जो भी लेके खाना पीना लेके आना है, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मजा है बहुत मजा है। बिना कुछ लिए भाई नहीं आना इधर। हाँ पानी तो कम से कम 2-3-4 बॉटल लेके आया है ना इस घंटा पियेंगे, अभी बहुत नीचे जाना है, पानी पियेंगे। तो भाई एक बिरयानी के पॉकेट के लिए आया था भाई, मुझे बिरयानी मिला, मैं खुश हूँ अभी, लेकिन पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा। ये भी कुछ बोलना चाहता, लंगड़ा से भी कुछ बोलना चाहता, हमारे पैर तोड़ दिया यार, मैं गया भरा दिखे। चलो मैं ले चलता हूँ, पानी खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया भाई, मस्त लगा और मज़ा आया काफ़ी। और अब यहाँ का मौसम देखो, जैसे गांव में हमारे सर्दियों में हो जाता है, तो उसी टाइप ऐसा हो गया, पूरा कोहरा कोहरा। तो यहाँ से अपने लोग चलते हैं नीचे। तो भाई सबसे डेंजरस यही ट्रैक है, और इधर काफ़ी बचा के बनाना होता है, और हवा भी काफ़ी तेज से चल रही है। कहाँ गया यार,
और वापस आते हो तो इधर डैम है और डैम में स्नान कर उधर भी भाई लोग हैं। आ जाओ भाई इधर सब लोग मजा आ रहा है। तो भाई अभी हम जो है वहाँ से आ गए हैं, हमारे पीछे देखो विरार का रेलवे स्टेशन है। तो अगर आप लोग जाते हो ना तो अगर आपके पास जो है खुद का बाइक वगैरह है तो आप इजीली जा सकते हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से अगर आप लोग जाते हो तो थोड़ा टफ है। और ऑटो वगैरह जो है आप लोग को मिल जाएगा विरार फाटा से, तो आप लोग जा सकते हो। और जाते हो तो अभी के टाइम में जो है बारिश के समय में जो है ये स्लीपर वगैरह डाल के जाना, जूता वगैरह डाल के ना जाना, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और हमें एक भाई मिल गए थे, उनकी वजह से जो है ये ट्रेवल इजीली हुआ। अदरवाइज हमें काफ़ी प्रॉब्लम जो है फील करना पड़ता है। वो जो है हमें लाके सीधा जो है यहाँ विरार स्टेशन के पास ही छोड़े, वो एक्टिवा से गए थे। तो उनका जो है मैं दिल से जितना बार थैंक यू बोलूँ उतना कम है, उन्होंने इतना ज़्यादा मेरे लिए किया तो उनको जो है मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ भाई। तो भाई आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।